हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विकीज आर्ट। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे कैरेक्टर की स्केच बनाने वाला हूं जो सभी फ्री फायर खेलने वालों को काफ़ी पसंद है। इनका नाम डीजे आलोक है, जो कि बहुत फेमस डीजे हैं। वर्ल्ड के 11वें सबसे अच्छे डीजे हैं ये। इनके इंस्टाग्राम पे 21 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड यूट्यूब पे 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनके गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ उन सभी को ये वीडियो शेयर करें जिनको फ्री फायर खेलना काफ़ी पसंद है। आई होप कि उनको ये कैरेक्टर भी काफ़ी पसंद होगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन सभी को शेयर करें। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने अबव 150 पोस्ट अपलोड कर दिए हैं। मेरे सारे आर्ट वर्क मैं हर एक दो दिन पे वहाँ पोस्ट डालता हूँ और मेरी स्टोरीज भी मैं डालता हूँ। मेरे रील्स हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे किसी भी सेलिब्रिटी की स्केच मैं बनाऊँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस सेलिब्रिटी की स्केच और पोर्ट्रेट ज़रूर बनाऊँगा। और इस पिछली वीडियो मैंने आपने देखी होगी, मैंने हनुमान जी की स्केच बनाई थी। जिस वीडियो के बाद मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो ये वीडियो तो शूट हो चुकी थी, इसलिए मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। बट 200 सब्सक्राइबर्स के बाद मैंने कुछ स्पेशल रखा है अपने चैनल के लिए, वो इस वीडियो के बाद आई थिंक 13th और 14th अगस्त तक मेरी वो वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि और आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है वो आप देख पाओ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को भी बहुत प्यार दिया, उसी की वजह से आज उस वीडियो पर 350 व्यूज से ज़्यादा हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी चली वो वीडियो, मेरी अब तक की सबसे अच्छी वीडियो चली है। ऐसे ही आप प्यार दें मेरी वीडियोस को, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाऊं और आप लोग उसको अच्छे से देखें और ज़्यादा व्यूज दें उस पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें और लाइक्स करें। आप अगर आप मुझे कोई सजेशन भी देना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या सही कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वजह से आप मुझे सजेशन या फीडबैक्स दें, इससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, यहाँ पे मैंने बियर्ड ड्रॉ की है, जो कि एकदम रियलिस्टिक लग रही है। कैरेक्टर के हेयर एंड बियर्ड दोनों ही ब्लैक थे, तो इसलिए मुझे काफ़ी इजी हुआ ड्रॉ करना। जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं थी इनके हेयर्स एंड बियर्ड में। वैसे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा लाइट ड्रॉ करना है, कहाँ पे ज़्यादा डार्क ड्रॉ करना है, या आप एक मीडियम पेंसिल से भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब जहाँ पे डार्क देना है वहाँ हाई प्रेशर यूज़ करके, और जहाँ लाइट देना है वहाँ एकदम प्रेशर बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख लो कि इस तरह की ड्रेस आज तक मैं अभी तक तो फ़िलहाल नहीं बनाई है किसी भी पोर्ट्रेट में। इनकी ड्रेस काफ़ी टिपिकल थी, जो बहुत ही मुश्किल हुई मुझे बनाने में, 3D लुक देने में, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से और बनी है इनकी स्केच। बहुत अलग तरह की ड्रेस है इनकी। बस ये इस वीडियो का आखिरी पोर्शन है, अभी वीडियो खत्म होने वाली है, क्योंकि लास्ट में मैंने सिर्फ इनका इनकी ड्रेस डिज़ाइन किया, स्केच किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ 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 लाइक करें,
एंड हो सके तो शेयर भी करें चाहे जितना हो सके, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।